नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। मैं अरविंद शुक्ला। आइए आज जानते हैं बेलपत्र का क्या महत्व है और भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोरथ होते हैं पूर्ण। तो इस विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये बेलपत्र है, ये 3 पत्तों वाला होता है और इस बेलपत्र को भगवान शिव के ऊपर कैसे और किस प्रकार से आपको चढ़ाना है, मैं इसके विषय में बताता हूँ। कहते हैं त्रिदलम, त्रिदलम ये 3 पत्तों वाले हैं। वैसे बेलपत्र के विषय में और बता दूँ आपको कि बेलपत्र जैसे आपका रुद्राक्ष होता है तो रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होता है, उसी प्रकार बेलपत्र भी 11 मुखी तक होते हैं। और ऐसा सुनने को मिलता है या वर्णित आया है कि 21 मुखी तक बेलपत्र होता है, लेकिन वो प्रायः इधर नहीं नेपाल आदि में पाया जाता है बेलपत्र, लेकिन 11 मुखी तक बेलपत्र होता है। 3 बेलपत्र से ज़्यादा जिसको मिलते हैं 5-7 इस प्रकार, वो बहुत ही अतिशय भाग्यशाली होता है। ये तो मैंने बता दिया। ये अब आते हैं उस विषय में कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जैसे कहते हैं कि कोटि कन्या, कन्या दान से जो फल प्राप्त होता है उस प्रकार के कोटि कन्या दान का फल मात्र आपको बेलपत्र के चढ़ाने से होता है। तो अब मैं बेलपत्र दिखा रहा हूँ आपको। ये हैं बेलपत्र के 3 पत्ते जिसके विषय में कहा गया त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 जिसके दल हैं, त्रिगुणाकार है, 3 इसके जो है गुण बताए गए हैं। वो गुण कौन हैं? जिसको क्रमशः कहते हैं शत रज तम, 3 गुण हैं। और त्रिगुणाकार को चढ़ाया जाता है जिनको कहते हैं अकार उकार अकार उकार और मकार। भगवान शिव के शिवलिंग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का वास बताया गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 का वास शिवलिंग में बताया गया है। तो ये बेलपत्र का यही जो आपको मैंने बताया कि अक्षिद्रयी, इसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। और इसकी विशेष महत्वता चढ़ाने में तब आपकी हो जाती है जब इस बेलपत्र के नीचे वाले डंठल को आप ऐसे तोड़ लें जैसे मैंने तोड़ा, और तोड़ करके फिर आप ऐसे इसमें चंदन, बाकायदे आप जो चंदन लकड़ी का होता है उसको घिस लीजिए और घिस करके उस चंदन से इसमें आप लिखिए बाकायदे बड़े ही अच्छे इसी लकड़ी से राम नाम लिखिए, और राम नाम लिख करके फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। चढ़ाना कैसे है? तो चढ़ाना आपको बेलपत्र का ये पृष्ठ भाग है, ये जो भाग है पृष्ठ भाग है, और ये बेलपत्र का जो है अग्रभाग है। तो आपको ऐसे जो है भगवान शिव को चढ़ाना है। कोई भी पुष्प या कोई भी पुष्प जो उगता है, जैसे उगता है उसको वैसे ही चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र जैसे उगता है ठीक उसको ऐसे चढ़ाते हैं, उल्टा चढ़ाते हैं। तो कोमलास अक्षिद्रयी पूजने, जो कोमल का भाव, जो कोमल भाग होता है वो भगवान शिव के ऊपर स्पर्श किया जाता है। तहसीर बेलपत्र की ठंडी होती है और बेलपत्र के अपने आयुर्वेदिक गुण भी बहुत हैं, विशिष्ट हैं। शुगर आदि के लिए भी ये विशेष लाभदायक होती है। बेलपत्र का पानी बहुत ही विशिष्ट कहा गया है। बेलपत्र का जो वृक्ष है उसके विषय में भी बहुत ही अत्यधिक उस वृक्ष की महिमा है। कहते हैं माँ सती के मस्तक में जब पसीना आया तो उनने पसीने को जब पोंछा और छिटका तो मदिराचल गिरि नामक पर्वत पे उनका वह पसीना गिरा, उस पसीने से बेलपत्र पेड़ उत्पन्न हुआ। और उस बेलपत्र पेड़ के जड़ भाग में भी माँ पार्वती का वास है, डालियों पे भी है, पत्तों पे भी है, फूलों पे भी है। क्रमशः उनको बताया गया है कि कुमारी के रूप में, गौरी के रूप में, सती के रूप में, दक्ष पुत्री के रूप में, इस प्रकार से इन इन रूपों में उनका वास बताया गया है। और बेलपत्र कहते हैं कि हर देवता का अपना एक विशिष्ट प्रिय फल होता है, पुष्प होता है। जैसे भगवान गजानन गणेश के लिए दुर्वा अतिशय परम प्रिय है, दुर्वा के बगैर उनकी पूजा अधूरी रहती है।
भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु जी के पूजा में तुलसी यदि ना हो तो उनकी अधूरी रहती है। भगवान उसी प्रकार भोले शंकर जी के पूजा में यदि आप बेलपत्र अर्पित नहीं करते हैं तो पूजा लगभग उनकी अधूरी रहती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जल, बेलपत्र आदि चीज़ें उनको बहुत ही ठंडक और बहुत ही उनके ब्रह्मांड को शीतल करती हैं। क्यों? क्योंकि कंठ में उनके कालकूप नामक जो विष है उस विष से उनका ब्रह्मांड जलता रहता है। तो ये जो आपका आने वाला है श्रावण मास, इस श्रावण मास में आप बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाएं और अपने मनोरथ पूर्ण करें। इसका भी विधान है 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 101 बेलपत्र, 1000 बेलपत्र, इस प्रकार से है। आपकी जो श्रद्धा है जिस प्रकार की वैसे आप बेलपत्र को अर्पित कीजिए। और बेलपत्र के विषय में और भी विशेष है कि मान लीजिए आपके घर में धन धान्य की पूर्ति नहीं है तो चावल की खीर बना करके और बेलगिरी जो इसका फल होता है उससे जो आप बेल फल होता है फल को फाड़ के उसकी जो है गूदा निकलता है उसका, उस गूदे को निकाल लीजिए और उसको बेलगिरी कहते हैं, बेल की गिरी। तो वो आप हवन में उसका हवन कीजिए, चावल की खीर बना लीजिए और उसमें वो बेलगिरी डाल करके हवन कीजिए और वो हवन आप जो है माँ लक्ष्मी के सूक्त का कीजिए, जो आपके माँ लक्ष्मी के 16 मंत्र हैं जो जिसको श्री सूक्त कहते हैं, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम, यहाँ से शुरू होकर के यह सुचि प्रयतो भूत्वा जुहिया दज्जमन्वहम सूक्तम पंचदसरचंच श्री काम सततं जपेत, यहाँ तक यह 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्र का यदि आप नॉर्मल हवन करते हैं तो निश्चित रूप से धन धान्य में पूर्ति होती है। वैसे तो इसका संपुटित भी होता है, उसका और विशेष लाभ होता है। तो बेलपत्र का अपना एक बहुत विशिष्ट लाभ है, बेल वृक्ष का लाभ है कि बेल वृक्ष के नीचे यदि आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ भोजन भी यदि ग्रहण करते हैं तो उसका अपना एक विशेष लाभ है, विशेष महत्व है। भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र के विषय में शब्द छोटे हैं, व्याख्यान नहीं किया जा सकता। बस यही है जो कि आप जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इसका एक वैदिक मंत्र है जो कहते हैं, ओम नमो बेलमिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो, तो ये इसका जो है वैदिक मंत्र है। और वैसे नॉर्मल जो मंत्रों बोलते हैं तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप श्रृंगारम बेलपत्रम शिवार्पणम, ज़्यादा लंबा है। काशीवास निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादान बेलपत्रम शिवार्पणम अक्षिद्रयी, ये जो इसमें जो कहा गया है कि किसी प्रकार का छेद ना हो, कटापिटा ना हो तो बेहतर है। और बाई दबे मान लीजिए आपके पास बेलपत्र नहीं है, आप शिवालय गए हैं तो जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उस बेलपत्र को धुल करके और पुनः आप चढ़ा सकते हैं तो भी उसका आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। बेलपत्र सोमवार को ना तोड़िए, चतुर्थी चतुर्दशी अष्टमी आदि इन तिथियों पे मत तोड़िए, आप जो है बेलपत्र वर्जित है। और इससे पूर्व आप जो है बेलपत्र तोड़ करके भगवान शिव को चढ़ाइए। ये श्रावण के महीने में बेलपत्र चढ़ा करके देखिए, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस बेलपत्र का ये विशेष महत्व है, आप चढ़ाइए, आप सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्रावण के महीने में बेलपत्र चढ़ाने से बिल्कुल मत चूकिएगा यदि आपको अपने मनोरथ फल प्राप्त करने हैं तो, मनोवांछित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो बस आज इतना ही, फिर किसी अन्य विषय को लेकर के, फिर किसी अन्य विशेष उसको लेके मैं भगवान शिव जी के ऊपर बोलूँगा। और अब इस बेलपत्र के विषय में बस आज इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।